नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। नौगछिया का कुख्यात अपराधी लाली कुंवर चरा पुलिस के हत्थे, फिरौती के लिए अपहरण की घटना को देता था अंजाम। पटना में निगरानी के हत्थे चढ़ा पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता की भागलपुर कोर्ट में हुई पेशी, भेजा गया जेल। शहीद बीएसएफ जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा वनगांव, अंतिम दर्शन को उमड़ा जन सैलाब, नम आंखों से लोगों ने दी श्रद्धांजलि। जिले भर में धूमधाम से मनाई गई भारत रत्न इंदिरा गांधी की जयंती, श्रद्धा सुमन अर्पित कर लोगों ने किया याद। और विश्व शौचालय दिवस को लेकर स्कूली छात्राओं ने निकाली रैली, स्वच्छता के लिए शौचालय का प्रयोग करने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। नौगछिया के प्रभारी एसपी सह भागलपुर एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान पुलिस ने कुख्यात अपराधी लाली कुंवर को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी आशीष भारती ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि अपराधी लाली कुंवर बीएसएफ में नौकरी करता था, कोर्ट मार्शल होने के कारण उसे नौकरी से हटा दिया गया था, जिसके बाद वह फिरौती के लिए अपहरण जैसे संगीन घटनाओं को अंजाम देने लगा। एसएसपी ने कहा कि दूसरे राज्यों में भी अपराधी लाली कुंवर का नेटवर्क है। एसएसपी ने कहा कि लाली कुंवर की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद टीम में शामिल पुलिस जवानों ने छापेमारी कर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। नौगछिया जिला पुलिस जिला के बिहपुर झंडापुर थाना कांड संख्या 17/15 जिसमें एक अभियुक्त जो शामिल थे अपराधी लाली कुंवर उर्फ अजय उर्फ लाली मुखिया, ये पूर्व में बीएसएफ के जवान थे और उसके बाद आपराधिक घटना जब वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया था तो उसके बाद बड़े बड़े आपराधिक घटना जैसे फिरौती हेतु अपहरण तथा मर्डर वगैरह में ये शामिल रहे थे। और 2012 में ये सिलीगुड़ी से एक स्वर्ण व्यवसायी को अपहरण करके लाए थे और उसका फिर हत्या करके बेगूसराय में फेंक दिए थे, जिसके बाद बंगाल पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ भी हुई थी। तो काफ़ी दिनों से ये फरार चल रहा था और जो नौगछिया पुलिस है उस पर काफ़ी समय से इस पर कार्य कर रही थी, उसी में भी एस ड्राइव रखा गया था जिसमें सफलता मिली, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर नौगछिया रंगरा थाना कांड संख्या 209/12 दर्ज है। बेगूसराय में फुलवरिया थाना कांड संख्या 84/12 जिसमें जो स्वर्ण व्यवसायी जिससे फिरौती लेने के बाद जिसकी हत्या कर दी गई थी उसका शव वहाँ पर बरामद हुआ था। और झंडापुर थाना कांड संख्या 17/15 जिसमें ये अपने ही गांव के दो लोगों को जो कोर्ट से लौट रहे थे उसकी हत्या कर दी थी। पटना में निगरानी विभाग के हत्थे चढ़े पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को मंगलवार को निगरानी की टीम ने भागलपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दरअसल सोमवार को भाजपा एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेटे की टॉप लाइन कंपनी से 16,00,000 रुपए घूस लेते निगरानी विभाग की टीम ने रिश्वतखोर कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार को उसके पटना स्थित फ्लैट से रंगे हाथ दबोच लिया था। आरोपी अभियंता कटिहार पथ प्रमंडल में पोस्टेड था। रोड मेंटेनेंस कार्य से जुड़ी टॉप लाइन कंपनी के 83 करोड़ रुपए बिल भुगतान करने के एवज में घुसखोर अभियंता अरविंद कुमार ने 1% राशि देने की मांग की थी, जिसमें पहली किस्त के रूप में 16,00,000 रुपए भुगतान किया गया। उसी दौरान निगरानी की टीम ने आरोपी अभियंता को गिरफ्तार कर लिया। बांका रजौन प्रखंड के वनगांव निवासी बीएसएफ जवान रतन मोहन सिंह का शव गांव पहुंचते ही लोगों का जन सैलाब, शहीद के अंतिम दर्शन को उमड़ पड़ा। हर कोई उसकी एक झलक पाने को बेताब दिखे। इस दौरान पूरा गांव गमगीन था, सभी की आंखें अपने बहादुर बेटे के लिए नम थी। बीएसएफ की गाड़ी में तिरंगे से लिपटे हुए शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही गाँव पहुंचा पूरा माहौल गमगीन हो गया। सुबह के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने गाँव पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल बीएसएफ जवान रतन मोहन सिंह छत्तीसगढ़ के सतना में तैनात थे। कुछ दिनों से वह ब्रेन मलेरिया से पीड़ित थे, जिसका इलाज रायपुर के अस्पताल में चल रहा था। सोमवार को इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई, जिसके बाद बीएसएफ के अधिकारी शहीद जवान का शव लेकर मंगलवार को सड़क मार्ग से वनगांव पहुंचे। इस दौरान काफी संख्या में युवाओं ने वीर सपूत की शान में हाथों में तिरंगा लिए अमर रहे के नारे लगाए। पूरा इलाका भारत माता की जय घोष से गूंजता रहा। शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही, जिसके
बाद शव यात्रा निकाली गई। हम आपको बता दें कि 4 वर्ष पूर्व बीएसएफ जवान की शादी आसमानी चक निवासी सुभाष सिंह की पुत्री आरती कुमारी के साथ हुई थी। अभी हमको सूचना मिली, हम रास्ते में निकले थे, हम उनको श्रद्धांजलि देने आए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो प्रावधान होगा कुछ सारी सुविधाएं इनको प्रदान की जाएगी। उन्होंने देश की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। पर जहाँ तक सवाल है, बीच के दिनों में शायद बीमार थे कार्यवधि में ही, ऐसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन तब भी देश के सेवा के लिए सारा समय इन्होंने लगाया। सरकार का जो प्रावधान होगा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सारी सुविधाएं प्रदान कराएंगे। जिले भर में भारत रत्न प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। नगर विधायक आवास स्थित कैंप कार्यालय से स्कूली बच्चों के द्वारा रैली निकाली गई जो त्रिमूर्ति चौक पहुंची, जहां विधायक अजीत शर्मा सहित कांग्रेस नेता ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके द्वारा देश को दिए गए योगदान को याद किया। वहीं दीप नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में भी इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष शारिक मंजूर ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ त्रिमूर्ति चौक स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया एवं देश को दिए गए योगदान पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। गांधी जी स्वर्गीय हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी की जयंती है, जो लेडी आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी। आज हम जिस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उनमें वह जिन था जिसको देखकर आज उत्प्रेरित होती हैं महिला। प्रियदर्शनी के नाम से प्रसिद्ध रहीं वो, और उन्होंने देश के उत्थान में देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया। उनके योगदान को देश आज भी याद करता है और ये महसूस करता है कि ऐसी मजबूत शख्सियत भारत के अंदर आज तक अभी तक नहीं आई। विश्व शौचालय दिवस को लेकर नाथनगर प्रखंड के कंजिया मध्य विद्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई। बंधन एनजीओ और स्कूल प्राचार्य के नेतृत्व में निकाली गई रैली में शामिल स्कूली छात्र एवं एनजीओ कर्मी ने पूरे गांव का भ्रमण कर लोगों से शौचालय का प्रयोग करने की अपील की और स्वच्छता के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया। इस दौरान छात्राओं ने स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर घर घर जाकर शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया। रैली में प्रियंका कुमारी, सोनाली कुमारी, जयंती वर्मन, प्राचार्य सुधांशु तिवारी, डॉक्टर भारती कुमारी, डॉक्टर दीपक कुमार, जितेंद्र मणि, राकेश, धर्मेंद्र कुमार, मोनिका, ज्योति, रिकी सहित कई लोग शामिल थे। जी, आज का कार्यक्रम विश्व शौचालय दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग यहाँ पे जो कंजिया मध्य विद्यालय है यहाँ पे बंधन हेल्थ प्रोग्राम के तरफ से एक छोटा सा रैली का आयोजन किए हैं। इस रैली का ये मकसद होता है कि हम लोगों तक ये सूचना पहुँचाना चाहते हैं कि शौचालय बनाना क्यों ज़रूरी है, शौचालय बनाने से कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, बाहर शौच करने से आपके घर में कितनी बीमारियाँ हो सकती है जिसके कारण बच्चे भी बीमार पड़ते हैं और बड़े भी बीमार पड़ते हैं। तो बस हम लोग एक सूचना पहुँचाना चाहते हैं कि अपना गांव को एक निर्मल गांव बनाइए, एक साफ़ सुथरा गांव बनाइए जहां कि बाहर से भी लोग आए तो कहे कि ये गांव कितना अच्छा है। इसके लिए हम लोग एक सूचना देना चाहते हैं और आज शौचालय दिवस के अवसर पे यहां जो हम लोग कुछ गेस्ट लोगों को भी इनवाइट किए हुए हैं जो वो लोग भी हैं इधर में, और ये स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ बड़े बच्चे को लेकर के हम लोग यहाँ पे एक रैली का प्रोग्राम कर रहे हैं। वहीं विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को जागरूकता रैली निकाली गई। राजकीय मध्य विद्यालय पंजवारा परिसर से निकाली गई रैली में काफी संख्या में स्कूली छात्र और शिक्षक मौजूद थे। रैली स्कूल से निकलकर मुख्य बाजार होते हुए पुनः स्कूल पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान छात्र छात्राओं के द्वारा शौचालय का उपयोग करने के लिए आम लोगों को प्रेरित किया गया। वहीं छात्रों ने जागरूकता से संबंधित नारे भी लगाए। रैली का नेतृत्व विद्यालय के प्राचार्य राजकिशोर पंडित ने किया। भागलपुर में बाईपास चालू होने के बाद सड़क हादसों में काफ़ी वृद्धि हुई है। तेज रफ्तार के कारण कई लोग हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। मंगलवार की सुबह मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर मोड़ के समीप तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क पार कर रहे मजदूर को टक्कर मार दिया। घटना में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने बाइक सवार को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया।
घटना से आक्रोशित लोगों ने बाईपास को जाम कर दिया और आगजनी कर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। इस दौरान बाईपास के दोनों ओर ट्रकों की लंबी कतार लग गई। घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर, ललमठिया एवं मधुसूदनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वहीं पुलिस ने मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर वाहन मालिक पर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं सीओ राजेश कुमार ने स्थानीय लोगों की समस्या का जल्द समाधान करने की बात कही। वहीं जिला परिषद सदस्य अशोक कुमार आलोक ने जिला प्रशासन से बाईपास पर फ्लाईओवर निर्माण कराने की मांग की है। मामला है किशनपुर मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया था और यहाँ के लोगों के द्वारा बार बार ब्रिगेडिंग की मांग की जा रही थी। इस दौर में पूर्व में जिला प्रशासन को सूचना दी गई है। अभी वर्तमान में जो ब्रिगेडिंग के लिए व्यवस्था की जा रही है, चार ब्रिगेडिंग की व्यवस्था की जा रही है और जाम तक का जा रहा है। 17 किलोमीटर जो लंबी बाईपास बनी है भागलपुर जिले में, तो ये बाईपास तो निश्चित तौर पर भागलपुर, नाथनगर, सबौर और दूर दूर के लोगों के लिए राहत का चीज़ बना, राहत के लिए बना, लेकिन आसपास के जितने भी लोग हैं उनके लिए खतरे की घंटी बन गई। आप देखिए तो मुख्य रूप से भतोड़िया के पास जो बाईपास जो क्रॉस करती है और किशनपुर के पास एक और आप देख ले बंसी टिकर के पास, ये तीन जगह पर जो क्रॉस है यहाँ पर ना अंडर पास है ना ओवर ब्रिज है। इसके पहले आप अगर देखें तो अमरपुर रोड में, जगदीशपुर रोड में ओवर ब्रिज है, तो फुटाहा रोड में ओवर ब्रिज है, यहाँ पर भी ओवर ब्रिज होना चाहिए था। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क टीवी। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मॉफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। महिला, पुरुष एवं बच्चे के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिवतन पोटाला मार्केट तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपए में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जल जीवन हरियाली योजना के तहत गौराचक्की स्थित तालाब का सौंदर्यकरण करने का निर्देश सीओ को दिया गया। इस दौरान अतिक्रमित किए गए जमीनों को खाली किया जा रहा है। मंगलवार को दर्जनों की संख्या में अतिक्रमणकारियों ने अंचलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग 3 पीढ़ी से उस स्थान पर रह रहे हैं, ऐसे में अगर उसे हटाया जाता है तो काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ेगी। ग्रामीणों ने सीओ राजेश कुमार से उक्त जमीन को छोड़कर शेष बचे जमीनों पर सौंदर्यकरण करने की बात कही। वहीं सीओ ने कहा कि तालाब की जमीन से सभी अतिक्रमणकारियों को हटाया जाएगा। जो पूरा समाज उठ के आए, सीओ साहब बुलाए हैं, आज दिनांक 19 को हम लोग सब 33 को नोटिस पड़ा है, लेकिन 33 से नहीं आए हैं, पूरा समाज उठकर आए हैं। 112 परिवार वहाँ रह रहे हैं।
ये हम लोग को पता नहीं कब से पूर्वजों से रह रहे हैं, बाप दादा के वक्त से। ये जमींदारी सरदार बाबू का था, सरदार बाबू हम ने हमको हम लोगों को बसाए थे, बाप दादा को। हम लोग जो कि खाली जमीन 15 बीघा लगभग जमीन है, उस पर तालाब वर्तमान है ही, उसको और सौंदर्यीकरण किया जाए, गाछ वृक्ष जो हरियाली लगाना लगावे, उससे हमको कोई दिक्कत। लेकिन जहाँ बस गए हैं, मंजिला दो मंजिला मकान बना कर रह रहे हैं, उसको हम लोग को रहने दिया जाए। समस्या तो हम लोग, हमारा उम्र 85 बरस हो रहा है, 85 बरस से तो हम रह रहे हैं, अलावे हमारे पूर्वज जो आगे हैं वह रह रहे थे। और इस वक्त में कहता है कि घर उजार के भगाया जाए, ये कैसे भाग सकते हैं हम? ये गौरा चौकी गांव से संबंधित समस्या है। गौरा चौकी गांव के लगभग 33 परिवार को अंचल से नोटिस गया, अंचलाधिकारी के द्वारा नोटिस गया है कि क्यों आप अतिक्रमण में हैं, आपका जो घर अतिक्रमण में है, अतिक्रमित जमीन में है, बिहार सरकार के जमीन में है, उसको क्यों ना आपसे खाली करा दिया जाए, क्यों ना मुक्त करा दिया जाए। और मैंने भी समस्या को समझा और मुझे पता चला कि अंग्रेजों के ज़माने से लगभग 150 वर्षों से पूरा गौरा चौकी गाँव 75% लोग इसी ज़मीन पर रहते चले आ रहे हैं। और पता चला कि शारदा प्रसाद शाह जी की जमींदारी हुआ करती थी, उसी की जमींदारी में ये एक पोखर भी हुआ करता था, प्रति जमीन भी हुआ करता था, पूरा गांव उसी पर बसा हुआ है, उन्हीं के कुछ खेतों पर भी लोग अपना खेती भी कर रहे हैं। और वो लोग दान देकर के लगभग आज से 125 वर्ष पहले चले गए थे और बाद में वो ज़मीन बिहार सरकार घोषित हो गया, वो गैर मजरुआ ज़मीन घोषित हो गया। तो ये लोग तो एक मंजिला दो मंजिला तीन मंजिला 150 वर्षों से लगातार घर बना करके रहते चले आ रहे हैं। जो ये आज जो भी लोग आए थे वो तालाब के बिंडा में सब अपना अपना मकान बनाए हुए हैं और बरसों से रह रहे हैं, लेकिन जल जीवन हरियाली के तहत भारत सरकार का एक स्कीम है और उस स्कीम के तहत जितने भी तालाब हैं और तालाब के इर्द गिर्द जो भी अतिक्रमण है, चाहे भिंडा हो चाहे तालाब की ज़मीन हो, उस भिंडा उस तालाब की ज़मीन से अतिक्रमण हटना तय है। इसी संदर्भ में इन लोगों के द्वारा आज न्यायालय में उपस्थिति दर्ज करवाया गया, जिसमें इन लोगों ने बताया कि हम लोग लगभग 150 वर्षों से रह रहे हैं और हमारे पास किसी प्रकार की ना कोई पर्चा है और हम लोग भूमिहीन हैं। अंततः पुनः पीर प्रपत्र 2 के तहत इन लोगों को नोटिस की जाएगी और अतिक्रमण हटाया जाएगा। भागलपुर DRDA सभागार में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की। इस दौरान DM ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार, DPM फैजान अशरफी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। देश में बढ़ती महंगाई और उसको रोकने में विफल केंद्र सरकार के विरोध में NSUI के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को स्टेशन चौक पर सब्जी बेचकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व NSUI के जिला अध्यक्ष बम प्रीत ने की। इस दौरान महिला कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा ने कहा कि आज आम लोगों की थाली से प्याज और लहसुन गायब हो गई है। उन्होंने कहा कि महंगाई रोकने में केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल है। सरकार जो है, जो महंगाई के नाम पर सरकार सत्ता में आई थी और महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आज जो कहा जाता है कि हर नागरिक का भोजन, वस्त्र और आवास तीन मौलिक आवश्यकताएं हैं, उसमें भी भोजन को सबसे पहले रखा गया है। और आज स्थिति यह है कि आम जनता के थाली से प्याज और लहसुन अदरक जैसी चीज़ें जो है वो थाली से उड़ गई है। तो ये हमारा एक सांकेतिक कार्यक्रम है जिससे हम केंद्र सरकारों को यह कहना चाहते हैं कि महंगाई को वो कंट्रोल करें। हत्या के आरोप में मंगलवार को ADJ फर्स्ट विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। दरअसल 6 जनवरी 2017 को साकुन थाना क्षेत्र के रतुल्ला गांव में चोरी के आरोप में उमेश मंडल के पुत्र जितेंद्र मंडल की ग्रामीणों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। मामले में 8 आरोपियों को अभियुक्त बनाया गया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी को दोषी पाया था। 8 आदमी इसमें मुदालय था, 302/148 का मामला था। मौत के द्वारा एक 18 वर्ष लड़के का हत्या किया गया था, एक मामला था। उसमें रसुल्ला एक गांव है साकुन थाना अंतर्गत, वहीं की यह घटना है। 8 आदमी इसमें मुदालय हैं, 8 को आजीवन कारावास हुआ है।
भागलपुर के तिलका मांझी स्थित होटल में मंगलवार को युवा शक्ति की ओर से सम्मान समारोह सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश एवं प्रदेश महासचिव राजकुमार यादव ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रवि प्रकाश ने कहा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार को लेकर युवा शक्ति चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। उन्होंने कहा कि गरीबों एवं दुख की घड़ी में खड़े होने वाले पप्पू यादव के आह्वान पर 24 नवंबर को युवा शक्ति एवं जन अधिकार पार्टी के नेता राजभवन मार्च करेंगे, जिसमें भागलपुर से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। आज भागलपुर में युवा शक्ति का कार्यकर्ता सम्मेलन सह जो कुछ लोगों को मुख्य जिम्मेदारियां दी गई है उनके लिए हुआ है। मुझे भागलपुर में जिला अध्यक्ष बनाया गया है, इसके लिए मैं पार्टी के आला कमान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन पप्पू यादव जी का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं नागेंद्र त्यागी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ और पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार यादव जी का धन्यवाद देता हूँ। मुझे आज ये जो सम्मान मिला है मैं उस पर खड़ा उतरूँगा भविष्य में, और जो मुख्य चीज़ें मानवता से जुड़ी हुई चीज़ें जो कि शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य जुड़ा हुआ चीज़ है, इसके लिए हमारे माननीय पूर्व सांसद लगातार प्रयास कर रहे हैं। सूबे के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल ने मंगलवार को पंजवाड़ा के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान मंत्री ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए और निदान का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या, अधूरे पड़े नाला का निर्माण, सड़क सहित कई मूलभूत समस्याओं से मंत्री को रूबरू कराया। मंत्री ने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान मंत्री ने प्रोन्नत मध्य विद्यालय गोविंदपुर का भी निरीक्षण किया और प्रभारी प्राचार्य को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कटोरिया थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा नगर गांव के समीप यात्री बस ने बाइक सवार को रौंद डाला। घटना में मौके पर ही युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान अमहारा निवासी नीरज शाह के रूप में हुई है। घटना के बाद आक्रोशित परिजन एवं स्थानीय लोगों ने मुआवजा की मांग को लेकर कटोरिया चौक को जाम कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ शशिभूषण प्रसाद और थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बांका के शमुखिया मोड़ स्थित सिरामिक फैक्ट्री के समीप अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मंगलवार की सुबह जब ग्रामीण घूमने के लिए निकले उसी दौरान झाड़ी में पड़ी महिला का शव देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं बांका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि सिरामिक फैक्ट्री के खंडहर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और हमेशा कोई ना कोई घटना होती रहती है, जिसके कारण ग्रामीण भी काफी सहमे रहते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस इन घटना को रोकने में विफल है। वहीं बांका थाना अध्यक्ष राजेश झा ने बताया कि मृतक महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कहीं और हत्या कर महिला के शव को सुनसान जगह फेंका गया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। नौगछिया का कुख्यात अपराधी लाली कुंवर चरा पुलिस के हत्थे फिरौती के लिए अपहरण की घटना को देता था अंजाम। पटना में निगरानी के हत्थे चरा पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता की भागलपुर कोर्ट में हुई पेशी, भेजा गया जेल। शहीद बीएसएफ जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा वनगांव, अंतिम दर्शन को उमड़ा जन सैलाब, नम आंखों से लोगों ने दी श्रद्धांजलि। जिले भर में धूमधाम से मनाई गई भारत रत्न इंदिरा गांधी की जयंती, श्रद्धा सुमन अर्पित कर लोगों ने किया याद। और विश्व शौचालय दिवस को लेकर स्कूली छात्राओं ने निकाली रैली, स्वच्छता के लिए शौचालय का प्रयोग करने की अपील। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।